ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਨੇਮਾ ਬੀ ਟੂ ਬੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਕਲਾਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। नाम प्रेडवत्स है। मैं हवेली इन ट्रबल पंजाबी फिल्म में वन ऑफ द लीड एक्टर हूँ और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फिल्म थिएटर्स में लुधियाना में रिलीज़ हो रही है। बी टू बी सिनेमा इन ओबेक्स प्लाजा। और थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग अस। ये फिल्म मैं आपको कहूँगा कि आप इसको देखें और इंजॉय करें। जैसे हॉरर कॉमेडी फिल्म, इसमें ड्रामा है, इसमें रोमांस है, इसमें दोस्ती है, इसमें धोखा है और इसमें एक्शन है, सब कुछ है इसमें। साल की ये पहली फिल्म है, पहली पंजाबी फिल्म, और इसी तरह अपना प्यार बनाते रहें और हम आपके लिए और खूब सारी ढेर सारी फिल्म बनाते रहें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी सब नू, मैं सुमित मानक। साड़ी आज फिल्म रिलीज़ हो रही है हवेली इन ट्रबल, जो कि हॉरर कॉमेडी है, जिसके डायरेक्टर देवी शर्मा जी ने पहले दुल्ला वाली फिल्म बनाई है, कंट्री साइड गुंडे फिल्म बनाई है, तो ये आ रही है हवेली इन ट्रबल। इस दे राइटर है खुशबू शर्मा जी। तो मैं कास्ट की गल करा, इस दे विच लखविंदर जी है जिन्होंने 25 किले ढोल रत्ती बहुत फिल्मा की उन्होंने, तो इस फिल्म के भी उन्होंने अहम किरदार मेन लीड रोल हैगा। तो मैं खुद सुमित मानक वन ऑफ द लीड रोल प्ले कर रहा। प्रैड वत्स है जिहड़ी सब तो ज़्यादा खूबसूरती इस फिल्म की, इस दे विच जिहड़े गुरप्रीत भंगू मैम है जिहड़ी बैकबोन मने जाते हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की, हर फिल्म के उन्हों का करैक्टर कोई ना कोई होंदा ही है, तो उन्हां दी कॉमेडी दे सारे बहुत ही हासा पाते हैं। तो साड़ी फिल्म दे विच कॉमेडी तो वह कर रहे हैं पर इस दे विच ओ भूतनी का करैक्टर कर रहे हैं। मतलब तुहानू बहुत देख के मज़ा आएगा गुरप्रीत भंगू मैम नू जदों चुड़ेल का करैक्टर करनगे। ये नई चीज़ है मैनू लगता है इस फिल्म दे विच। मैं एक्टर राजेश भाटी, मैंने बॉलीवुड फिल्में की है जैसे कि नाम शबाना है, रेस 3 है, जीनियस है, और अभी एक पंजाबी फिल्म आई थी कंट्री साइड गुंडे, उसमें भी नेगेटिव लीड था। अभी हम जो लुधियाना आए, आज हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग है। फिल्म का नाम है हवेली इन ट्रबल, तो हॉरर कॉमेडी फिल्म है और 2023 की पहली, मतलब 2023 में पहली पंजाबी फिल्म है जो कि रिलीज़ हो रही है। हम लोगों के लिए बड़ी बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी फिल्म रिलीज है। क्या कहेंगे लुधियाना आए हैं, लुधियाना में आके कैसा लगा? लुधियाना बहुत प्यारा शहर है और बहुत प्यारे लोगों का शहर है, क्योंकि लुधियाना का मतलब पंजाब ही पूरा ऐसा है कि बहुत प्यार करता है, लोगों को बड़ी मोहब्बत देते हैं, तो यहाँ पर आके बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है हमारी फिल्म रिलीज है तो और ज़्यादा एक्साइटेड है, फिल्म देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। सर फिल्म हॉरर से रिलेटेड है प्लस कॉमेडी है, हाँ जी, क्या कहेंगे पंजाब में जो टेस्ट है कॉमेडी का जाता नहीं कहीं? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, जो यहाँ के लोगों का ह्यूमर है ना वो बहुत ही प्यारा है, मतलब बात बात पे भी ये बोल देते हैं, तो वो ह्यूमर इस तरह का था आदमी ऑटोमेटिक हंसता है, तो उसी तरह से फिल्म में भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया है कि पंजाब का जो कल्चर है किस तरह का, तो वो भी दिखाया गया। लोगों को क्या अपील करेंगे? लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ हॉरर का तड़का है, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो मैं अपील करूँगा लोगों से कि आप इस फिल्म को देखें और लोगों को भी जाके बोले कि ये फिल्म देखें। मेरा नाम सम्राट कपूर है, असी लुधियाना आए हैं अपने पहली मूवी पंजाबी मूवी दी मैं प्रमोशन वास्ते, और 2023 दी पहली पंजाबी फिल्म अपनी असी लॉन्च कीती है यस मैन डिजिटल ने, यस मैन फिल्म्स ने, और इहदा नाम है हवेली इन ट्रबल। ये एक हॉरर एंड कॉमेडी फिल्म है जो तुहानू बहुत पसंद आएगी। टोटली हॉरर दा धमाल मचा होया है, नाल कॉमेडी दा धमाल है, तुसी वेखोगे तुहानू बहुत चंगा लगेगा, फुली एंटरटेनमेंट है। एंड इसमें एक सोशल मैसेज है आप लोगों के लिए कि हमें कैसे जो है वो अपने लाइक अंधविश्वास पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए हमें। तो आप लोग देखिए फुली एंटरटेनमेंट, क्योंकि सारी बातें मैं बता दूंगा तो फिर देखने लायक क्या एंटरटेनमेंट बच जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए थिएटर्स में, अपने नज़दीकी थिएटर्स पर जाके हवेली इन ट्रबल को सपोर्ट कीजिए और देखिए, और अपना ढेर सारा प्यार हमें 2023 में दीजिए। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तेज चैनल दे लई लुधियाणा तो अजय पाबा दी विशेष रिपोर्ट।